ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। अब तो वाकई गोदी मीडिया को शर्म तक नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि दो बड़े न्यूज चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन को खबर के तौर पर चलाया और कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 17 सितंबर 2022 भारतीय जनता पार्टी के अपने चैनल पर, अपने डिजिटल चैनल पर एक खबर चलती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिन पाठक का एक इंटरव्यू का अंश होता है। क्या आप जानते हैं उसके बाद इंडिया टीवी और आज तक दोनों 11 ही दिसंबर को एक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिसके अंदर इसी प्रचार सामग्री का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि 17 दिसंबर 2022 को दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल चैनल में क्या प्रसारित हुआ था और उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि इंडिया टीवी और आज तक में क्या प्रसारित हुआ था। सुनिए, 87 के चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले उनका संघ में से भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के नाते, संगठन महामंत्री के नाते उनका उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, देखा आपने। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हरिन पाठक का यही इंटरव्यू दो न्यूज चैनल्स ने छोटा मोटा फेर बदल करके चला दिया। यह भी नहीं बतलाया कि यह बीजेपी की प्रचार सामग्री है, यह भी नहीं बतलाया कि यह बीजेपी का विज्ञापन है। खबरों के नाम पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री को चला दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन न्यूज चैनल्स के पास दूर दर्जन से ज्यादा कैमरामैन होते हैं, गुजरात में इनका लंबा चौड़ा नेटवर्क है, क्या ये लोग हरिन पाठक से इंटरव्यू नहीं कर सकते थे? सबसे पहले देखिए क्या चला था इंडिया टीवी में। देखिए, 87 के चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले उनका संघ में से भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के नाते, संगठन महामंत्री के नाते उनका। अब हरिन पाठक का वही इंटरव्यू, हूबहू वही इंटरव्यू, मगर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, ताकि ऐसा लगे कि हम कुछ और चला रहे हैं, बल्कि है इंटरव्यू वही। देखिए क्या चला आज तक में। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, चुनाव नजदीक था, चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है? टिकट विकेट तो आप अच्छी तरह से बांटेंगे, बोला टिकट बांटने से नहीं होगा, जीतेंगे कैसे? आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे में क्या ये न्यूज चैनल्स खबरिया चैनल्स होने का दावा कर सकते हैं? खुलेआम ये बीजेपी की प्रचार सामग्री को चला रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा न्यूज लॉन्ड्री का, जिन्होंने पड़ताल की है अपने इस आर्टिकल के जरिए। मैं इस आर्टिकल को पढ़ नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि ये पे वॉल के पीछे था, मगर हां, जो इंटरव्यू का उन्होंने जिक्र किया है वो आपके सामने, वो हकीकत आपके सामने है। न्यूज चैनल्स ने क्या गड़बड़ झाला किया वो भी आपके सामने है। इसीलिए मैं आपसे पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को देखना बंद करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में बीजेपी के आईटी सेल, इनके ट्रोल्स और इनके चैनल्स के एंकर्स में क्या फर्क है? राहुल गांधी के साथ मंच पर कोई व्यक्ति सेल्फी खिंचवाने आता है, राहुल गांधी उसका हाथ झटक देते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, एक किस्म की बदतमीजी दिखाई दी। तमाम न्यूज चैनल्स के तमाम जो पापा की परियां हैं या गुल्लू और कालू हैं, उस वीडियो का हवाला देकर कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी क्या बदतमीजी कर रहे हैं। उठाना भी चाहिए, मगर तुम्हारे सामने ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके और कैमरा के बीच आने वाले लोगों को बुरी तरह से हड़काया। याद कीजिए, अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे का क्या हाल हुआ था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देखिए क्या किया जा रहा है उनके साथ, उनका हाथ पकड़ के एक तरफ कर दिया गया। और मैंने बाकायदा आपके सामने शो किया था कि किस तरह से हरकतें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री बार बार ऐसा करते हैं, मगर क्या पापा की परियों या गुल्लू और कालुओं में यह हिम्मत है कि इन तस्वीरों को आपको दिखा सके? आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से उस व्यक्ति का हाथ
सेल्फी को हटाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। खासकर जब आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जनता से संवाद है, मैं सभी लोगों से अच्छा बर्ताव करता हूं, मगर आप देखिए किस तरह का प्रचार ये चैनल्स चलाते हैं साहब, भाजपा की प्रचार सामग्री को चला दिया। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, आपकी स्क्रीन पर उमर खालिद, 7 दिन की बेल मिली है दोस्तों इनको। आप जानते हैं जब दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ केस किया था तो अपने तमाम सबूतों में उन्होंने उमर खालिद के एक बयान का हिस्सा डाला था। अब जब उमर खालिद के वकीलों ने अदालत में पूछा कि ये जो आप बयान है उमर खालिद का आपको कहां से मिला, तो उन्होंने कहा हमें रिपब्लिक और जी न्यूज, दो न्यूज चैनल से मिला। और जब रिपब्लिक और जी न्यूज से पूछा गया कि आपको कहां से मिला, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये न्यूज चैनल्स वहां मौजूद रहे होंगे जब उमर खालिद ने बयान दिया था, भाई आप न्यूज चैनल्स हैं, आपके कैमरामैन हैं, आप टीवी चैनल चलाते हैं, होना चाहिए था। आप जानते हैं न्यूज चैनल्स ने अदालत में क्या कहा, इन न्यूज चैनल्स ने कहा कि हमें ये फुटेज, ये आंशिक सत्य, ये आधा अधूरा सच जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से मिला। उमर खालिद को फंसाने के लिए आधा अधूरा वीडियो पेश किया गया और यह वीडियो कहां से मिला दोस्तों, अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से। आप मुझे बताइए ना, ये न्यूज चैनल्स क्या न्यूज चैनल्स कहलाने लायक हैं? प्रधानमंत्री के आलोचकों को फंसाने के लिए ये लोग भाजपा के प्रचार मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने देखा 11 दिसंबर को इंडिया टीवी और आज तक दो बड़े न्यूज चैनल्स जो करोड़ों घरों तक पहुंचते हैं इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब इस चेहरे को देखिए दोस्तों, सिद्दीक कप्पन, हाथरस के दौरान सितंबर 2020 को जब यह व्यक्ति केरल से हाथरस की तरफ रुख कर रहा था तब इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया था। उस वक्त इस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई थी, यूएपीए, और जिस पर भी यूएपीए लगाया जाता है दोस्तों उसका छूटना नामुमकिन होता है। अदालत में, अदालत ने उसे आतंकवाद की धाराओं में बेल दे दी कि कोई मामला ही नहीं बनता है, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्र सरकार ने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें फंसा दिया, ईडी ने उसे फंसा दिया। इस व्यक्ति को कई महीनों पहले आतंकवाद की धाराओं में बेल मिल गई थी मगर फिर एक और मामले में फंसा दिया, अब वो पिछले कई महीनों से जेल में है। अब कल ही दोस्तों सिद्दीक कप्पन को बेल मिल गई है, इस मामले में भी अदालत ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, खुद अदालत ने यह बात कही। मगर आप जानते हैं सिद्दीक कप्पन को अब भी जेल में रखा जा रहा है, इन्हें कायदे से रिहा कर दिया जाना चाहिए था। सिद्दीक कप्पन का सिर्फ इतना गुनाह था, उसने तो सवाल भी नहीं किया था, वो सिर्फ हाथरस का रुख कर रहा था, वो चाहता था गुड़िया जिसके साथ नाइंसाफी हुई थी, जिसका शव रातों रात जला दिया गया था पेट्रोल छिड़क कर, वो सिर्फ उस खबर को करने जा रहा था। मगर फिर क्या हुआ आप भी जानते हैं दोस्तों, सिद्दीक कप्पन को आतंकवाद की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस डाल दिए गए, ईडी उसके पीछे पड़ गई। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों सिद्दीक कप्पन अब भी रिहा हो पाएगा या नहीं। सिद्दीक कप्पन का गुनाह यह है कि वो पत्रकार है, ऊपर से केरल का मुसलमान है। सिद्दीक कप्पन की आवाज को सिर्फ मैंने बुलंद किया था। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे कि तुम मैं क्यों कह रहे हो, हकीकत है दोस्तों, मैं चुनौती देता हूं, कितने पत्रकारों ने सिद्दीक कप्पन की आवाज उठाई है, मैंने ढेरों कार्यक्रम किए हैं सिद्दीक कप्पन के पक्ष में, क्योंकि मैं जानता हूं उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। बहुत मुश्किल है सिद्दीक कप्पन की आवाज में आवाज उठाना, उसके पक्ष में आवाज उठाना, क्योंकि फिर प्रचार तंत्र, जरिया, सरकारी तंत्र आप पर निशाना साधता है। हम उस देश में जी रहे हैं जहां मीडिया जो है वो पिछलग्गू बन गया है, तमाम पत्रकार इस तरह की बातें करते हैं दोस्तों कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन न्यूज चैनल्स को देखना किसी अपराध से कम नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दिखाता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत के कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा देखिए, यह आदमी
मेसी की आत्महत्या की बात कर रहा है, इससे वाहियात कार्यक्रम क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए इसने क्या किया था। चौंकाने वाली खबर आपको लगेगी, लेकिन स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? आप बताइए, आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? बताइए, ये पत्रकारिता है? ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है, ये कॉमन सेंस के खिलाफ अपराध है, क्योंकि ये वही पत्रकार है दोस्तों जिन्होंने झूठी खबर चलाई थी कि भाई हिंदुओं के मकान तो गिराए गए मगर मुसलमान के मकान को छोड़ दिया गया, कायदे से इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनके दूसरे साथियों पर FIR है, याद कीजिए। अंबानी का वो पत्रकार जो अभी कुछ दिनों पहले अमित मालवीय के झूठ को आगे कर रहा था कि किस तरह से भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के शू लेसेस बांध रहे थे, यह झूठ वो फैला रहा था जो कि अमित मालवीय ने शुरू किया था खुलेआम। उस पर भी FIR है, आप जानते हैं, दंगे भड़काने को लेकर। तो यह है आपका मीडिया, यह है आपका मीडिया जो अपराधी से कम नहीं है, जिसका चरित्र एक अपराधी का है, और दूसरी तरफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को आगे बढ़ाते हैं और इसे पत्रकारिता कहते हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, क्या हरिन पाठक का इंटरव्यू नहीं कर सकते थे न्यूज चैनल्स? मगर नहीं, उन्होंने बीजेपी के प्रचार को खबर बताकर, बीजेपी के विज्ञापन को खबर बताकर चलाया। ये तो TV गाइडलाइंस के खिलाफ है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, मगर नहीं होगी। कौन करेगा, कौन करेगा बताइए? जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे तो कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला है। और बात सिर्फ हरिन पाठक की नहीं है, ये देखिए, ये है कोई रघुनंदन शर्मा, इनका इंटरव्यू आज तक भी चला रहा है और वही इंटरव्यू देखिए इंडिया TV भी चला रहा है। फिर ये एक और कोई महिला है जिनका नाम है, बीजेपी नेता है, सुधा यादव, वही इंटरव्यू जो है आज तक भी चला रहा है और वही इंटरव्यू इंडिया TV भी चला रहा है। फिर ये कोई नंद कुमार साहू है, ये मोदी के राजनीतिक सहयोगी हैं, वही इंटरव्यू इंडिया TV भी चला रहा है और वही इंटरव्यू आज तक भी चला रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह खबर है या विज्ञापन है? और अगर विज्ञापन है तो इन न्यूज चैनल्स ने बात क्यों नहीं बतलाई, आपसे क्यों छुपाई, आपको झूठ क्यों कहा? क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? किसी कीमत पे पत्रकारिता नहीं हो सकती है। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाएंगे दोस्तों, आदत से मजबूर हूं, सवाल तो उठाऊंगा। नमस्कार।